हे गाइस, दिस इज लखन। और आज के इस वीडियो में अपन लोग बातचीत करने वाले हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम के फर्स्ट पार्ट के बारे में, यानी कि स्टडी कैसे करनी है जिससे आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसे अपन स्पेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं। अब ये क्या मैटर होता है, कैसे स्टडी करनी है इस टेक्निक से, इस वीडियो में पूरी पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्त, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा पूरा देखना, जिससे पूरी पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आए और आप अपने एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो दोस्त, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्त, स्पेस्ड प्रैक्टिस ये क्या होती है? दोस्तों देखो, अपन को पता है कि अपन जो चीज आज पढ़ी है वो आज से 3-4 दिन बाद में भूल जाएंगे, यानी थोड़ी थोड़ी कम होते होते बाद में जीरो हो जाएगी। तो अब इसको लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं रिवीजन। ठीक है, अब इस तरीके से या इस टेक्निक से अपन कैसे रिवीजन करना है वो यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्पेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जैसे जनरली आज आपको क्लास के अंदर जो चैप्टर पढ़ाया है, अब आपको क्या करना है, उसको घर पे आके रिवाइज करना है, पहला स्टेप इसका। अब दूसरे दिन वापस इसकी प्रैक्टिस करनी है, वापस इसको रिवाइज करना है, और तीसरे दिन भी वापस आप इसको रिवाइज करना है। यानी कि अब फर्स्ट डे आपको पढ़ाया, वापस घर पे आके स्टडी की, फिर सेकेंड डे आप जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया ना उसको भी वापस घर पे आके पढ़ना है, और साथ में फर्स्ट डे वाले को पढ़ना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसको उसके चक्कर में 3 दिन तो उसमें लगा दिए और फिर अगले वाले को, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया है उसको आज रिवाइज करना है, दूसरे दिन रिवाइज करना है, तीसरे दिन भी रिवाइज करना है, कल जो पढ़ाया है उसको वापस उसी दिन रिवाइज और साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब ये टेक्निक पर सब्जेक्ट पर 3 डे आजमानी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उसके बाद में आपको वीकली, क्योंकि अपन एक साथ में इतने चैप्टर को बाद में रेगुलर रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप लोग ऐसा करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे ना तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, कोई भी चैप्टर, ठीक है ना, वो 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा। फिर भी अपन को ये जो स्पेस्ड प्रैक्टिस है ये कहती है कि आपको जो जिस दिन पढ़ाया उसको वापस रिवाइज कीजिए, सेकेंड डे और थर्ड डे तक रिवाइज कीजिए, उसके बाद में वीकली अपना लीजिए, वीकली उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। इससे होगा क्या, देखो आप लोग एक ग्राफ बनाइए, आप लोग सोचिए कि आज आपने जो पढ़ा है वो आपको समय के साथ में कम होता जाएगा और बाद में अपन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे अप कर सकते हैं, तो अपन जैसे आज अपने पढ़ा वापस सेकेंड डे रिवाइज किया तो वापस 100%, और फिर थर्ड डे रिवाइज किया तो वापस 100%, फिर धीरे डाउन होगा तो 7 डे में वापस अपन ऊपर लेके जाएंगे। तो इस टाइप से अपने चलेगा, मतलब कि अपन वापस याद करते रहेंगे, वापस रिवाइज करेंगे, अपन को याद आता रहेगा, और उसके बाद में आपको लंबे समय तक हर चीज याद होनी शुरू हो जाएगी और आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो दोस्तों, रिविजन करने का सबसे बड़ा तरीका यही है और इसे ही बोलते हैं अपन स्पेस्ड टेक्निक। ठीक है, और यही एक वैज्ञानिक अप्रूव प्रैक्टिस है और जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये टेक्निक थी। अगले वीडियो के अंदर और भी इससे शानदार टेक्निक के आपके सामने लेके आऊंगा और उन सभी टेक्निकों को आपको जोड़ के अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर कंडीशन में लेके जाना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छे समझ में आ गई। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्त, मिलते हैं स्टूडियो 7। जय हिंद।